नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन। फरवरी महीने के 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, तो लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर स्थानों पर भी ठंड का प्रकोप जारी रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में ठंड से हल्की राहत मिली है। श्रीनगर में कल रात तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। लेकिन वहीं अगर दक्षिण भारत के तापमान की बात करें तो यहाँ जनवरी का महीना काफ़ी गर्म रहा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश में साल 2021 के जनवरी में रिकॉर्ड किए गए न्यूनतम तापमान ने पिछले 62 सालों के तापमान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दक्षिण भारत में ये महीना 121 वर्षों में सबसे गर्म रहा और तापमान 22.33 डिग्री सेल्सियस रहा। साल 1919 में 22.14 डिग्री सेल्सियस और 2020 में 21.93 डिग्री सेल्सियस था, जो दूसरा और तीसरा सबसे गर्म महीना रहा। मध्य भारत में 1982 के बाद 38 सालों में सबसे गर्म रहा, जबकि 1901 से 2021 के बीच 15.06 डिग्री सेल्सियस के साथ 1958 सबसे गर्म रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।